एक अलग मजा है और इतना पानी और ये पुल आने वाला है अभी अभी देखो, अभी हमें दिखाना चाहूंगा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और ये कुछ बच्चे देख रहे हैं हमको ऊपर से, बाय। नमस्कार दर्शकों, हम लोग इस वक्त है हसीन कुल्लू वैली में और राफ्टिंग करने का आज मन था। ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है मैं बताऊं, क्योंकि सर्दियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे हिमाचल में। और हमारा ऐसी मूड क्या कि राफ्टिंग करते हैं, कैसा लगेगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं AKU फ्यूचर प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड नेर चौक। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक बहुत ही यंग अमित जी ने ये शुरू की है और उनका विजन बहुत ज़बरदस्त है। क्या विजन है थोड़ा सा देखिए, अभी 30 सेकंड की वीडियो, तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा हमारा ये एडवेंचरस टूर और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और नंबर हम आपको बताएंगे कहां पे आप राफ्टिंग करने आ सकते हैं। AKU फ्यूचर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नेरचौक लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। भविष्य में आप ले सकते हैं एक बहुत बड़ा पैकेज, 3 साल की वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल ओवर मास्टर ऑफ बिजनेस। किसी भी प्रकार की नौकरी आप करना चाहते हैं या आपको नौकरी देनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, हार्डवेयर, कपड़ा, करियाना, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार की सर्विस लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को AKU फ्यूचर सर्विस के साथ मिलकर बढ़ा भी सकते हैं। संपर्क करें AKU फ्यूचर सर्विसेज एंड वर्किंग नियर नेरचौक बस स्टॉप ऑन हमीरपुर रोड नेरचौक। मैडम कैसा लग रहा है अभी, थोड़ा डर लग रहा है? हाँ थोड़ा डर तो लग ही रहा है क्योंकि पानी से वैसे ही डर लगता है और खास कर ना दिन, हाँ, और तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा जैसे गिरेंगे ना, तो तुरंत मतलब बॉडी का टेम्परेचर डाउन। और बिल्कुल आपको तैरना आता है? हाँ आता है, तैरना तो आता है लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी आप देख सकते हैं, जैसे हम जाते हैं स्विमिंग पूल में ज़्यादातर जो है तैरते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खुला ओपन है और आगे भी पानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ से। जी, पर हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए, हमको अपने भाई लोग जो हैं उन्होंने ये आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट्स और ऊपर हेलमेट पहना दिए। थोड़ा हम चप्पू चलाने की कोशिश भी करेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिडल में मैं बैठूंगा, आप दो लोग हैं तो आप टॉप सीट पर बैठेंगे फ्रंट साइड। ओके, तीन लोग हैं, कोई बात नहीं, एक मिडल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस तरफ बैठेगा तो अपना लेफ्ट लेग लॉक रखना है। ओके, जो उस साइड बैठेगा और राइट लेग। वैसे हम लोग डाउन द स्ट्रीम जा रहे हैं ना, मैक्सिमम वैसे फॉरवर्ड ही रहेगा। ओके, फॉरवर्ड लाइक दिस, फॉरवर्ड स्टॉप एंड होल्ड द रोप। अगर सीट डाउन या गेट डाउन बोलेंगे तो बोट के अंदर आना इस तरीके से। ओके, सीट डाउन इन साइड द बोट, बैक टू सीट, अपनी पोजीशन पे आ जाइए। ओके, अगर इन केस आप बोट से गिर जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप डूब जाएंगे, ये लाइफ जैकेट ये फ्लोट करेगा। ओके, तो दिस इज अ वाइड वाटर पोजीशन लाइक दिस, डाउन द स्ट्रीम लाइक, अप द स्ट्रीम हेड लाइक द होल द जैकेट लाइक दिस। ओके, इस तरीके से बैठना है और मेरे पास थ्रो बैग है, मैं आपको फेंक दूंगा। ओके, इतना ही था सर? हाँ, और ये देखिए, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये सबसे जरूरी है भैया, अब ये करना। तो अभी हम लोग, हाँ, मोबाइल वगैरह सब मना कर दिया गया हमको, क्योंकि पानी आ सकता है बोट में काफी ज्यादा।
उधर जा रही थी। हाउ आर यू फीलिंग? आप कितने साल थे इस? 10 ईयर हो गया जी। कैसे, कभी ऐसा हुआ है राफ्ट पलटी हो? हाँ, हाई वाटर में पलट जाता है कई बार। हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशन भी रहते हैं वैसे। हाँ जी, जैकेट रहता है, बोट रहती है। राफ्टिंग का अपना एक अलग मजा है। और जितना पानी, और ये पुल आने वाला है अभी, अभी देखो, अभी हमें दिखाना चाहूँगा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और ये कुछ बच्चे देख रहे हैं हमको, बाय बाय बाय। और ये देखो बच्चों ने हमको देखा ऊपर से, है ना मोनिका? बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम तुमको तो टाइटैनिक वाला फील आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज फील कर रही हूं कि मैं बस वही हीरोइन हूं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पीछे ये झूला, झूला टाइप का पुल। पौराणिक सिस्टम है, रोप वे कह सकते हैं इसको, पुराने स्टाइल का। आपको अगर दिख रहा हो, अब ये इसको खींच के आगे जाएंगे। और वो देखो वहाँ पे दो लेडीज वेट कर रही हैं, और इस तरीके से ये जाएंगे। तो ये था पुराना रोप वे सिस्टम, जिसको हाथ से खींचना पड़ता था।
वाह मजा आ गया, मन कर रहा है कि यूं ही चलते रहे, लेकिन क्योंकि हमको बाकी कार्यक्रम भी अटेंड करने हैं, दशहरा अटेंड करना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो 14 किलोमीटर मैक्सिमम कितना करवाते हैं आप? 14 किलोमीटर वाला नेक्स्ट टाइम। अच्छा मतलब उसमें दो रिवर्स में जाएंगे, मतलब पार्वती भी आएगा उसमें 14 किलोमीटर वाले। ये हमने लगभग 5-6 किलोमीटर, कितना सर ये 5 किलोमीटर वाला किया हमने, और नदी में 5 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मज़ा आया। वैसे मैं आपको बताऊँ फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।